I'm sorry. I think मेरा इतना फ्रैंक होना आपको अच्छा नहीं लगा, बट मैं ऐसे ही हूँ और मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ। लेकिन मुझे लड़कियों से ज्यादा फ्रैंक होना पसंद नहीं है, मैं जरा रिजर्व्ड किस्म का आदमी हूँ, तो आइंदा मुझसे बात करते हुए थोड़ा एहतियात कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब समझी क्यों मेरी बहन भागी भागी मुझसे मिलने चली आती है। हाँ, जवाब नहीं दिया तुमने, कब से चल रहा है सारा सिलसिला? पिछले एक साल से। बेहतर बेहतर यही है कि तुम फरहान को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जो लोग इतनी कुर्बानियों के बाद भी मेरी कदर नहीं कर पाए वो तुम्हारी करेंगे। अभी मुझे शौक भी नहीं है कि कोई मेरी कदर करे, ना ही आपकी तरह कुर्बानी का बकरा बनने का शौक है। जन्नत को सहरिश के हवाले करना या आपका अपना फैसला था, किसी ने आप पे जबरदस्ती नहीं की थी, जोर नहीं डाला था। तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, कि मैंने अपनी खुशी से अपनी औलाद दे दी है उनको? कुछ नहीं जानती हो आलिया, और अगर जानना चाहती हो तो सुनो, अपने शौहर को कर्जों के बोझ से निकालने के लिए दिए मैंने ये कुर्बानी। क्या? सुफियान भाई को? सुफियान ने आदिल भाई से 20 लाख का कर्जा लिया था, बिजनेस में लॉस होने की वजह से कर्जा चुका नहीं पाए, और तभी सहरिश ने जन्नत को अडॉप्ट करने की फरमाइश कर दी, और कर्जे में डूबे हुए सुफियान उन्हें मना ही ना कर पाए, मजबूर होकर दे दी अपनी औलाद सहरिश को। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई, क्यों नहीं बताया मुझे आपने? तुम्हें बता भी देती तो क्या होता आलिया, फैसला तो कर चुके थे ना हम। बहन हूं मैं आपकी, दुख बांट सकती हैं आप मेरे साथ। अच्छा ब्रो एमो प्लीज, जो होना था वो हो चुका। इसका मतलब है अम्मी अबू ठीक कहते थे, इन सब चीजों के जिम्मेदार सुफियान भाई। अम्मी अबू को पहले अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो उनसे नाराज हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी दूसरी बेटी भी ब्याह के इस घर में आए। मुझसे तो गलती हो गई ना आलिया, मगर तुम नहीं करो ये गलती। तुम अच्छे और खुशहाल घराने में ब्याह कर जाओ, ये दुआ है मेरी, कोशिश है। तुम जानती हो ना कि अम्मी अब्बू मेरी वजह से कितना परेशान रहते हैं। अगर तुम इस घर में ब्याह के आती हो तो तुम्हारे लिए भी उसी तरह परेशान रहेंगे हमेशा। लेकिन आप भी इन मसाइल का सामना तो हर औरत को करना पड़ता है ना, शादी के बाद सबकी जिंदगी एक जैसी तो हो जाती है। और आप ही ने तो कहा था कि ससुराल वाले, सास, नंदे, यहाँ तक के शोहर भी सब एक जैसे होते हैं। अगर आप ही एक बात पूरे यकीन से कह सकते हैं, फरहान सारे मर्दों से मुख्तलिफ है। और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती? क्योंकि मुझे उस पे एतबार है, यकीन है मुझे फरहान पे, वो अपने किए हुए हर वादे का पास रखेगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो जैसा है हमेशा वैसा रहे। आलिया ये सब अफसानवी बातें हैं, किताबों में अच्छी लगती हैं, यकीन करो ये प्यार मोहब्बत लव मैरिजेस ये सब बेकार होती हैं। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती थी, पर मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला अम्मी अबू पर छोड़ देना चाहिए, वो हमारा भला ही चाहेंगे। तुम हमेशा खुश रहोगी आलिया, यकीन करो मुझ पर। नताशा, आई जस्ट कांट बिलीव यार कि तुम एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़के पर यूं बैठे बिठाए फिदा हो जाओगी। यार मिडिल क्लास जरूर है मगर ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत खास है। इनफैक्ट जब तुम उससे मिलोगी और बात करोगी तो खुद भी इम्प्रेस हो जाओगी। ओहो, फिर तो उन साहब से जरा जल्दी मिलवाना, आखिर ये मौसू है कौन? मेरी भाभी है ना सहरिश,
उसका छोटा भाई है, बहुत हैंडसम है, यू आर गोना लाइक हिम। ओह, तो इसका मतलब तुम खाली उसकी पर्सनालिटी से इंप्रेस हुई हो, स्टेटस की तुम्हारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है? है यार, डेफिनेटली है, बट यू नो मैं कितने अमीर ज़ादों से दोस्तियां कर चुकी हूँ, पर उस जैसी बात और उस जैसा एटीट्यूड किसी में नहीं है। यू नो व्हाट, वो एक ऐसा मर्द है जिसकी ख्वाहिश हर लड़की को हो। और उनका फैमिली बैकग्राउंड तुम एडजस्ट कैसे करोगी उन लोगों में? एक तो वो CSS कर चुका है और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए आई एम नॉट इवन वरीड अबाउट दैट। आपी, मैं फरहान की खातिर इस फैमिली में एडजस्ट कर सकती हूँ, महज इन छोटी मोटी बातों को लेके फरहान को ठुकरा देना और उसको दुख देना, ये मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ फरहान से, उसकी माँ बहनें जैसी भी हैं, इसमें फरहान का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा फैसला अटल है फिर? अपने फैसले पे अटल नहीं हूँ, फैसला तो आपने और अम्मी अबू ने ही करना है, मैं तो सिर्फ अपनी फीलिंग से आप लोगों को आगाह कर रही हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। और बड़ी बहन होने के नाते आप पे भी एक फर्ज बनता है, क्या आप मेरी जज्बातों को समझे प्लीज? बड़ी बहन होने के नाते ही तो समझा रही हूँ आलिया। Excuse me, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को? नहीं, इनफैक्ट अच्छा ही किया तुम आ गए, तुम्हारे सामने ही सारी बातें हो जाए तो बेहतर है। मैं चलती हूँ। आलिया बैठो। जब बात हमारे मुतालिक हो रही है तो मैं चाहता हूँ तुम भी बैठो हमारे साथ। तो बताएं भाभी, आपको हमारे इस रिश्ते पर एतराज क्यों? मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। भले वो CSS कर चुका है, लेकिन वो तुम्हारे लिए अपने घर वालों को थोड़ी ना छोड़ेगा। और मैं जानती हूँ तुम उस माहौल में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। यार वो गए गुजरे खानदान से जरूर है, मगर खुद गया गुजरा नहीं। और CSS कर चुका है तो उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, एंड यू नो मी एज़ वेल, मेरे पास किस चीज की कमी है, इसलिए मैं जो भी फैसला करूंगी बहुत सोच समझ कर करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, वैसे तुम हो तो खासी अकलमंद, वैसे जो ये मोहब्बत है ना, बड़े बड़ों को बेवकूफ बना देती है। Come on, how can you even think like that? मुझे कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं हुई है, it's just that वो अचानक से बस अच्छा लगने लगा, दिल चाहता है कि जल्दी से उसे अपना बना लूं, कहीं उसे मुझसे कोई छीन ना ले। तो ये मोहब्बत ही तो है माय डियर, अब तुम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती कि तुम फरहान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हो। वैसे एक बात तो बताओ, क्या ये आग दोनों तरफ बराबर लगी है? आई डोंट नो यार, मैंने कहा ना काफी एटीट्यूड है उसमें, टाइम लगेगा उसे बहुत। नताशा, मे बी हो सकता है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो, मेरा तो मशवरा है उसके पीछे अपना वक्त जाया मत करो। अव्वल तो ऐसा कुछ है नहीं, और जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं उससे हर हाल में शादी करने के लिए तैयार, और वैसे भी तुम जानती हो मेरे घर वाले हमेशा से, इनफैक्ट बचपन से मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिशात पूरी करते हुए आए, और अगर फरहान मेरी तरफ माइल नहीं हुआ तो मैं आदिल भाई से बोलूंगी कि भाभी को प्रेशराइज करें कि फरहान मुझसे शादी करने के लिए मान जाए। लगता है तुम तो फरहान के मामले में अच्छी खासी संजीदा हो, वैसे इससे तो पहले तुमने कभी किसी लड़के के बारे में इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। इससे पहले फरहान जैसा लड़का मिला भी तो नहीं। अच्छा, अब तो इन जनाब से मिलना ही पड़ेगा, मैं भी तो देखूं ये मौसूफ आखिर है कैसे। डेफिनेटली, जल्दी मिलवाती हूँ। भाभी, मैं आपकी सारी शरायत मानने के लिए तैयार हूँ, और आपके दिल में जो भी खदशात हैं उन्हें इंशाल्लाह दूर कर दूंगा, बस मैं चाहता हूँ आप मुझ पर यकीन करें, मुझे एक मौका दे। फरहान, अगर तुम ये सोच रहे हो कि जो तुम चाहते हो तुम्हें हम्मा बेगम उसकी इजाजत दे देंगी तो ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि वो शादी के बाद तुम लोगों को अकेले रहने की इजाजत देंगी। आप इस तरह अलग रहने की शर्त मत रखिए प्लीज, जहाँ सब रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी,
और जब आप इस घर में रह सकती हैं तो मुझे अलग रहने पर मजबूर मत करें। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैंने फरहान से पूछा। मेरा यकीन कीजिए भाभी, मैं आलिया के लिए हर तरह का स्टैंड लेने के लिए तैयार। मुझे अपनी बात मनवानी आती है और मैं अपने हक के लिए लड़ सकता हूँ। प्लीज आप मुझे सुफियान भाई से कंपेयर ना करें। शादी से पहले सुफियान भी इसी तरह की बातें किया करते थे फरहान। खैर, फिर भी मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी तुम लोगों को मिलवाने की। थैंक यू सो मच भाभी। तो फिर मैं आज ही बात करता हूँ मार भाई से। हाँ, मेरे ख्याल से अम्मी अब्बू को आ जाने दो, उनकी भी राय जान लो। हो सकता है उन्होंने आलिया के लिए कुछ और सोचा हुआ हो। अभी तो आप हमें एक करने का वादा कर रही हैं, और अब? वादा नहीं किया था मैंने, मैंने ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगी। अम्मी अब्बू को आ जाने दो फरहान। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते पे इतनी आसानी से हामी नहीं भरेंगे। मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, उन्हें बहुत कन्विंस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद तुम अम्मा से बात कर लेना। अभी प्लीज थोड़ी दिन रुक जाओ। ठीक है भाभी, मैं इंतजार करूंगा, पर आपसे वादा करता हूं आपकी और आलिया की तमाम उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। इसे बहुत सारी खुशियां दूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। इंशाल्लाह आपको अपने इस फैसले पे पछताना नहीं पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरी तो यही दुआ है कि बस तुम दोनों खुश रहो। तो कह रही थी तुम शाम तक यहाँ रहोगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा वहाँ, वो अकेली नहीं हो जाएगी? भाभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतने सारे नौकर हैं मेरे घर में भाई, आप तो जानती हैं, और फिर मेरी सास भी तो है, वो क्या ख्याल नहीं रख सकती जन्नत का? मैं कल का फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ हम संडे को साथ चलेंगे ना शॉपिंग के लिए। मुझे जन्नत के लिए कुछ ड्रेसेस भी लेने हैं और फिर उसके लिए टॉयज भी। पप्पा मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ पे नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके लाफिस। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि जब मैं फोन पर बात कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया कर। और तुम्हें ये बार बार समझाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी फुप्पो नहीं मामा हूँ। मामा कहो मुझे। आप तो मेरी फुप्पो है मामा तो। गॉड ये लड़की। चलो अपने कमरे में जाओ, कमरे में जाओ अपने। मगर क्वेश्चन बाद में समझा दूंगी मैं तुम्हें। अपना बस्ता उठाओ और जाओ कमरे में जाओ। क्या तरीका था बच्ची से बात करने का? जब तुम्हारे अंदर बच्चे पालने का स्टैमिना नहीं था तो इसको लेकर क्यों आई हुई हो? देखा आदिल आपने इसे? बहुत चालाक लड़की है ये, जान बूझ कर ऐसा कर रही है मेरे साथ। मुझे तो लगता है कि इसकी माँ ने इसे ना खूब पटिया पढ़ाकर भेजा है यहाँ पर, वरना इतना समझाने के बाद भी वो मुझे फुप्पू कह रही है। क्या हो गया है सरिश तुम्हें? इतनी मासूम बच्ची को कौन पटिया पढ़ाएगा? फुजूल में आप मेरी हर बात की अगेंस्ट बोलते हैं आदिल। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये भाभी की पढ़ाई हुई पटिया ही हैं। वो कभी जन्नत को मेरा होने नहीं देंगी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, उनकी किसी चाल को कामयाब होने नहीं दूंगी मैं। तुम अभी भी बेचारी भाभी के पीछे पड़ी हुई हो?
कितना बड़ा एहसान किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, और तुम? बस बस आदिल, सिर्फ उन्होंने एहसान नहीं किया, हमने भी उन पर एहसान किए हैं। और फिर ये एहसान कि हम उनकी बच्ची को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसे इतना अच्छा खिला रहे हैं, और इतने बड़े घर में उसकी तरबियत हो रही है, और क्या चाहिए उन्हें। अरे कहां आप मुझे उलझा देते हैं दूसरी बातों में। प्लीज आप जन्नत के लिए कोई ट्यूटर का बंदोबस्त कर दें, मुझसे नहीं पढ़ाया जाता उसे। पता नहीं इतनी हार्ड कोर्सेस हैं आजकल के स्कूलों के तो। हो जाएगा इंतजाम, अब कल को ये मत कह देना कि बच्ची पालने के लिए आया का इंतजाम भी कर दें। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतना ख्याल तो रखती हूँ मैं उसका। और हाँ सुने, सुबह मुझे अम्मा के यहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा। मामा ये देखिए कल के टेस्ट में मेरे फुल मार्क्स आए हैं। अरे वाह शाबाश। पता है नू, तुम सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी तरह तैयारी कर लो ताकि जब एग्जाम्स हो ना तो तुम आलिया खाला की तरह फर्स्ट पोजीशन लेकर आओ। मामा मुझे जन्नत की बहुत याद आती है, वो वहाँ क्यों चली गई, वो वहाँ से वापस कब आएगी। मामा मामा आप चुप क्यों हैं, प्लीज बताएं ना, वो तो मेरी बहन है, वो वहाँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई, वो वहाँ से वापस कब आएगी। बेटा जन्नत अब सैरिश पप्पू के पास रहती है ना, और तुम उदास क्यों हो रही हो, हम तो जन्नत से मिलने जाते हैं ना, और जन्नत भी जब चाहे हमारे पास आ सकती है। सैरिश पप्पू तो बहुत अच्छी है, हम जब चाहे जन्नत से मिलवा देंगे। मामा मगर पप्पू तो मुझे उससे बात भी नहीं करने देती, वो तो मेरी बहन है ना, वो क्यों नहीं रहती फिर मेरे साथ। बेटा आप ये सम सॉल्व कर जल्दी से। मुझे यकीन था कि तुम आपी को मना लोगे, और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि तुम मुझसे किया हुआ हर वादा निभाओगे। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। अरे भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ठीक ठाक। खैरियत आज सुबह सुबह? हाँ हाँ भाई सब खैरियत है भाई, अब क्या मैं क्या नहीं आ सकती। मैं वो क्या है ना, आदिल सुबह ऑफिस जाते वक्त मुझे छोड़कर गए हैं, शाम में ड्राइवर आएगा मुझे लेने के लिए। सैरिश तुम जन्नत को नहीं लाई हो साथ? भाभी जन्नत तो स्कूल गई है ना, अब क्या उसके स्कूल की छुट्टी करवाती मैं?
नहीं नहीं ये नहीं कह रही हूँ मैं। अब मैं तो कह रही थी तुम शाम तक यहाँ रहोगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा वहां, वो अकेली नहीं हो जाएगी? भाभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतने सारे नौकर हैं मेरे घर में भाई, आप तो जानती हैं। और फिर मेरी सास भी तो है, वो क्या ख्याल नहीं रख सकती जन्नत का? अब क्या मैं जन्नत की वजह से अपनी अम्मा से भी मिलने के लिए नहीं आ सकती? नहीं वो मतलब नहीं था सहरिश। अरे भाई तुम लोग किन बातों में पड़ गए, जाओ जाके नाश्ता तैयार करो ना, मेरी बेटी आई है, आज मैं इसके साथ बैठ के नाश्ता करूंगी। जी सरिश क्या खाओगी? भाभी ऐसे कुछ मेरा मूड तो नहीं है खाने का, लेकिन अब अम्मा ने कह दिया है तो फिर मैं जरूर करूंगी नाश्ता। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक स्लाइस टोस्ट करके ला दें और एक फ्रेश जूस। अब तो जानती हैं मैं पराठे शराठे तो खाती नहीं हूँ। अम्मा आपके लिए लाऊं कुछ? अरे हाँ भाई, जो मेरी बेटी करेगी मैं भी वही नाश्ता करूंगी। जाओ जल्दी से जाओ। जी ठीक है। अम्मा फरहान नजर नहीं आ रहा। फरहान लाहौर गया ना, नेक्स्ट वीक आएगा। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ, ऑफिस से देर हो रही है, चलता हूँ। शाम में मिलते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सादिया खुदा हाफिज। इतनी आसानी से आप ही को कन्विंस कर लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, आपको पाने के लिए मैं हर मुश्किलात का सामना कर सकता हूँ। वैसे भाभी को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है जनाब। एक आपस की बात बताऊं, भाभी का ये रवैया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सोच भी नहीं सकता था उन्हें हमारे इस शादी के फैसले पे क्या एतराज हो सकता। मुझे भी ये बात जान के बहुत हैरानी हुई थी, मैं समझ रही थी कि वो हमारे इस फैसले से बहुत खुश होंगी। खैर अब तो वो मान गई, and I'm sure वो अंकल आंटी से हमारे रिश्ते की बात जरूर करेंगे, उन्हें कन्विंस जरूर करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पता तुम्हें लाहौर आके बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, काफी रिलैक्स हो गया, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो क्या पहले यकीन नहीं था तुम्हें? नहीं यकीन तो मुझे था, मगर पता नहीं क्यों आलिया मुझे एक डर सा लगा रहता था, ऐसा लगता था जैसे कोई तुम्हें मुझसे छीन ले। लेकिन शुक्र है अल्लाह का अब ये डर काफी हद तक दूर हो चुका है। ये डर तुम अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो, मुझे तुम पे भरोसा है और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी। I know. I trust you. Allah Hafiz. काफी दिनों से एक बात नोट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारा फरहान ना आलिया को पसंद करता है, और ना सिर्फ फरहान बल्कि आलिया भी उसे पसंद करती है। अच्छा आलिया नजर नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी गई है, अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। अच्छा वैसे कब तशरीफ ला रहे हैं इसके माँ बाप? अभी अब गए हैं तो खैर से उम्रा वगैरह करके ही आएंगे। वैसे एक बात है, आलिया के माँ बाप जब आएंगे उनसे मैं ये जरूर कहूंगी कि उन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत बहुत ही अच्छी की है, माशाल्लाह से क्या सुलझी हुई बच्ची। अम्मा ये आप क्या हर वक्त आलिया के गुनगाती रहती हैं? उस दिन भी आप नताशा के सामने उसकी इतनी तारीफें कर रही थी, कितना माइंड किया होगा उसने। लो भला आलिया की तारीफ से नताशा को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों माइंड करेगी? आपने उससे ये जो कह दिया था कि लड़कियों को घर के काम काज आने चाहिए, और आप तो अम्मा जानती हैं कि अमीर घरानों की लड़कियां घर के काम वाम नहीं करती, फिर भी आप उसके सामने ऐसी बातें करके उससे शर्मिंदा कर रही थी। लो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं किससे किस तरह से बात करूं? अम्मा काफी दिनों से एक बात नोट कर रही हूँ,
मुझे लगता है कि हमारा फरहान ना आलिया को पसंद करता है, और ना सिर्फ फरहान बल्कि आलिया भी उसे पसंद करती है। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे अम्मा, मेरी छठी हिंस कह रही है कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये जो यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां होती है ना, बड़ी तेज तर्रार होती है अम्मा। ऊपर से जितनी मासूम दिखती है ना, अंदर से उतनी ही घुन्नी होती है। लड़कों को फंसाना तो इनके बाएं हाथ का खेल होता है अम्मा। नहीं बेटा, आलिया ऐसी लड़की नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और वैसे भी अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो फरहान उसे जरूर जिक्र करता। जिक्र तो वो करेगा और जरूर करेगा, बस एक बार अम्मा उसकी नौकरी लग जाने दे, फिर देखें कि ये दोनों बहनें मिलकर किस तरह राज करती हैं इस घर में। फरहान वैसे भी बहुत जज्बाती है, बचपन से ही अपनी मनमानी करने का उसे शौक है। लेकिन अम्मा, शादी के मामलात में उसे बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा, वरना आप समझे कि लड़का हाथ से निकल गया। कह तो तुम ठीक रही। ये जो आलिया है ना अम्मा, सिर्फ आपको मुतासिर करने के लिए घर के काम वाम करती है। इस घर में डेरा जमाना चाहती है वो। और मैं तो अम्मा एक ही घर की दो लड़कियों को इस घर में लाने के हक में बिल्कुल भी नहीं। अब आपकी मर्जी है, आप सोचे आपने क्या करना है। आपने देखा सुफियान, सहरिश जानबूझकर जन्नत को अपने साथ नहीं लाई। जानबूझकर क्यों नहीं लाएगी वो? मुझे तड़पाने के लिए और क्या? जानती है ना कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। उसने बताया तो था जन्नत स्कूल गई हुई, इसलिए नहीं लाई। तो दोपहर में भी तो आ सकती थी ना वो, जन्नत को साथ ले आती। खुद तो इतनी रात तक बैठी रही है, और बच्ची ना जाने किसके पास होगी। स्कूल से आई होगी, किसी ने खाना दिया होगा कि नहीं, नौकरों के रहम करम पर है वो। वहां वो गरीब वसवसे आते, ना जाने क्या सलूक हो रहा है मेरी बच्ची के साथ। यार खुदा का वास्ता बस कर दो, फिर वही वहम। तंग आ गया तुम्हारी इस बीमारी से मैं। किस तरह के बाप है आप? हाँ, अपनी औलाद की फिक्र नहीं है आपको? बहन की खुशियों के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना सुफियान? आज तुम जाके अपनी बीवी से बात करोगे, खुद तो वो मैके जाके बैठ जाती है और वो बदतमीज लड़की को मेरे सर पर छोड़ देती है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी की गैर औलाद पालने का। प्लीज मामा, रिलैक्स, आप टेंशन मत लें, मैं आज बात करता हूँ। हाय मॉम। हाय रूबी। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं अपनी फ्रेंड मारिया के साथ एक पार्टी में गई थी, एंड यू नो पार्टीज में लेट हो जाता है, राइट? बाय द वे, आप इतनी पूछताछ किस लिए कर रहे हैं? तुम मारिया के साथ नहीं थी, तुम उस आवारा लोफर शहरी के साथ बाहर घूम रही थी। सो व्हाट ब्रो, शेरी मेरा एक दोस्त है, और अगर मैं उसके साथ यूं बाहर घूम रही थी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एंड मामा नोज दैट एज वेल। मुझे तुम्हारा इस तरह लड़कों के साथ बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो उससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे। व्हाट? शादी, वो भी शेरी से? आपको हो क्या गया है? शेरी सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ नहीं। तुम्हें दोस्ती करने के लिए वो अजीबोगरीब नमूना ही मिला था। तुम ये लड़कों लड़कों से दोस्ती करना छोड़ो, और अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हमसे मिलवाओ, हम उससे तुम्हारी शादी कर देंगे।
आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ब्रो, और प्लीज मेरे जाती मामलात में बोलने की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। देखा मामा आपने, मैं तो तुम तीनों से तंग आ गई हूँ, जिद्दी और खुद सर, और नताशा भी तुम पर गई है, हसन भी। क्या बदतमीजी है नताशा, आप लोग क्यों मुझे मेरे मामलात अकेले हैंडल करने नहीं दे सकते? बहुत बेलगाम हो गई हो तुम, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब तुम्हारी जल्द शादी कर दूंगी, अब भी वक्त है, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो। ठीक है, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मुझे जो भी पसंद है आप मेरी शादी उसी से करवाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ मुझे कौन पसंद है तुम्हें? वो मामा मुझे मुझे भाभी का भाई फरहान बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? नताशा ने फरहान को फोन किस मकसद के लिए किया होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा हूं। जरूर कोई बात है। अपनी पराए, अपनी पराए राए। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ मेरी याद कैसे आ गई आज? क्या करूँ सरश, जब भी तुम्हें फोन करता हूँ तुम गिले शिकवे शुरू कर देती हो, लेकिन फिलहाल मुझे कोई गिला शिकवा नहीं सुनना। मैं इतना जानना चाहता हूँ हमारी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस कैसी है। अच्छा तो ये कहो ना कि तुमने मेरी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल नहीं की बल्कि अपनी भतीजी के लिए फोन किया है तुमने। मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे मेरी प्यारी आपी, हमेशा तुम नाराज रहती हो मुझसे। अरे एक अकलौती तो बहन हो तुम मेरी, तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा। और रही बात जन्नत की, तो वो मेरी सिर्फ भतीजी नहीं भांजी भी है, तो इस हिसाब से उसकी फिक्र ज्यादा होनी चाहिए ना। अच्छा अच्छा बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खूब अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। और ये जन्नत को ना तुम अपनी भतीजे समझना छोड़ दो, अब वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। चलें जैसा आपका हुक्म। अरे हाँ, वो नताशा को फोन भी आया था सुबह, मैं समझा कि उसने जन्नत के हवाले से कोई बात करनी होगी। नताशा का फोन? क्या कहा है तुमने? हाँ मामा, मैं फरहान को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी बस। शाबाश, वेल डन वेल डन, जो कसर तुम्हारे भाई ने छोड़ी थी वो उसे तुम पूरा कर रही हो। तुम जैसी बेवकूफ और अहमक लड़की से और मुझे उम्मीद ही क्या है। आप हमेशा मेरे अगेंस्ट जाना ही क्यों पसंद करती है मामा? आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्यों मुझे मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक मेरी खुशी से जीने नहीं देती? क्योंकि तुम हमेशा फैसला दिमाग से नहीं दिल से करती हो, और मेरे तीनों बच्चों का यही हाल है, कोई मुझ पे नहीं गया। इस माशरे में मेरी इज्जत है, मेरा मुकाम है, स्टेटस है। बहू तो मैं ले आई मिडिल क्लास से, लेकिन दामाद तो मैं अपने स्टेटस के मुताबिक लाऊंगी। और मेरे जीते जी तुम किसी मिडिल क्लास में ब्याह कर नहीं जाओगी, सुन लिया तुमने? हाँ हाँ मामा सुन लिया मैंने, अब आप भी सुन लीजिए कि मैं शादी अपनी खुशी और अपनी मर्जी के मुताबिक करूंगी। आप क्या, कोई भी मुझे इस चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आवाज नीची रखो, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। तो ठीक है, आप मेरे मामलात में अपना इंटरफेरेंस बंद कर दीजिए, मैं आपसे बदतमीजी बंद कर दूंगी। एक ही मुलाकात में उस लड़के ने तुम पे क्या जादू कर दिया है कि तुम इस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? जरूर तुम्हें उसने वरगलाया होगा। चंद साल पहले आदिल का भी यही हाल था, आदिल ने भी इसी तरह बदतमीजी करके अपनी बात मनवाई थी, और आज उसी चुड़ैल का भाई तुम्हें वरगला रहा है। लेकिन मैं आदिल की तरह तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगी, सुना तुमने? उसने नहीं वरगलाया है मामा मुझे, और ना ही मेरी इस टॉपिक पे उससे कोई बात हुई है, वो तो ये भी नहीं जानता दैट आई लाइक हिम। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि एकतरफा लाइकिंग है ये।
फिलहाल तो ऐसे ही, बट आई एम श्योर कि वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली रिजेक्ट करने का कोई रीजन है ही नहीं उसके पास। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हाल चाल पूछ रही थी। वैसे तुमसे अच्छी मेहमान नवाज तुम्हारी नंद और सास है। कह रही थी कि मम्मा ने कहलवाया है कि किसी दिन आए ना हमारे यहाँ डिनर या लंच पे। मेहमान नवाज, और वो भी नताशा, उसे तो किसी से ढंग से बात करना तक नहीं आती, मेहमान नवाजी क्या करेगी वो। खैर छोड़ो, तुम जन्नत की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो बिल्कुल ठीक है और मजे में है, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नताशा ने फरहान को फोन किस मकसद के लिए किया होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर कोई बात है, पता लगाना पड़ेगा। आप सब लोग गंदे मुझे अकेले यहाँ पे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे अकेले सोने में डर लगता है, पता आपको? दोनों को अच्छी तरह समझा दे कि रोज रोज मेरे घर के चक्कर ना लगाया करें। भाभी के रोज रोज इस तरह मेरे घर पर आने पर मेरी सास का मूड खराब रहने लगा है। अम्मा कोई जरूरत नहीं है यूनिवर्सिटी वगैरह भेजने की। अम्मा क्या बात कर रही हैं? यूनिवर्सिटी में क्या बुराई है? लो भाई, एक बुराई हो तो मैं बताऊं। यूनिवर्सिटी जाके लड़कियां शुतरे बेमुहार हो जाती हैं। आप कल 12 बजे एग्जैक्टली कॉफी शॉप में मुझे मिल रहे हैं, प्लीज जरूर आना, मुझे ज्यादा वेट मत करवाना। बस ये समझ लो कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है।